तो ये है वही माइनक्राफ्ट एसएमपी जिसको मैं बहुत समय बाद ज्वाइन करता हूँ, और साथ साथ ये है मेरी बहन जो इस माइनक्राफ्ट एसएमपी की प्रेसिडेंट है, और इसने मुझे कुछ टास्क दिए जो मुझे ही नहीं पूरी इनफैक्ट पूरी एसएमपी को करने पड़ेंगे, और अगर मैं नहीं करता तो मैं इस सर्वर से परमानेंटली बैन हो जाऊंगा। और वो कौन से टास्क होते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में ऐसा क्या होता है कि मेरी बहन ने कुछ ऐसी पंक्ति कर देती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इसे जानने के लिए तुम्हें पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन यार उससे पहले मैं तुम सबको एक चीज बताने वाला हूँ, यानी कि एक सब्सक्राइब के बटन के बारे में। तुम जल्दी जाकर उस सब्सक्राइब का बटन है ना उसको लाल कर दो, यही तुम्हें दिख रहा होगा उसको लाल कर दो, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा नजदीक है 2 लाख सब्सक्राइबर के पास। मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें ट्रोलिंग वीडियोस भी चाहिए, अगर चाहिए तो जल्दी जाकर नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे जानना है कि तुम्हें ट्रोलिंग वीडियो चाहिए या नहीं। तो चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके सो गाइस इतने दिनों बाद मैं ये वाली माइनक्राफ्ट एसएमपी ज्वाइन कर रहा हूं। ओके तेरा हार्ट लूंगा मैं अभी इधर। अभी क्या रॉयल्टी, क्या रॉयल्टी, रॉयल्टी, अरे रॉयल्टी सुन इसको मत मार। अरे आप हमेशा बीच में आते हो, अब बताओ क्या हुआ, तुमको बताओ क्या हुआ। अभी भाई मुझे बाहर निकलने दे एक सेकंड पहले, ये कौन है, क्या हुआ फैन पिल भाई, रुका क्यों मेरे को। अरे भाई इसको मत मार, केस हो जाएगा। और क्या क्यों यार, पेश होने दो यार, मैं इसका हाथ लूंगा। मतलब पिछली बार भी माना चाहता था, अभी माना चाहता है। अरे भाई प्रेसिडेंट मीटिंग है तो इसको छोड़ो, उधर चलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं प्रेसिडेंट की मीटिंग। अबे भाई मैंने इतने महीने बाद ज्वाइन करा, तुमने तो नेदरराइट का आर्मर भी ले लिया भाई। मैंने तो अभी तक इस बार बोल रहा हूँ तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर फैन पिन आएगा नहीं आएगा ना तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, प्रेसिडेंट को मतलब क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ने क्यों बुलाया? अरे पता नहीं यार, कुछ मीटिंग है, वो हर महीना होता है, मीटिंग है भाई, एक मीटिंग है। ओके प्रेसिडेंट कौन है वैसे? अभी स्टील गेमर्स को पता नहीं? व्हाट, मेरी बहन? हाँ तेरी बहन स्टील गेमर्स। अबे यार वो इस सर्वर में भी आ गई भाई, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे आ जाती है हर बार। रुको चलो जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं हम, जल्दी आ जाओ यार, आ जाओ, कितनी देर लगा दी। अरे डीआर के तू भी आ गया यहाँ पे, और क्या तूने बुलाया और मैं नहीं आया? ऐसा कभी हो सकता है? बुलाया कब है, बिन बुलाया मेहमान? वो बात अलग है, ठीक है ना, अपने भाई की बेइज्जती नहीं उतारते, अभी यहाँ पे आया। ठीक है चल चुप रह, तुझे पता भी है यहाँ पे हो क्या रहा है? नहीं। अरे यार यहाँ पे मीटिंग हो रही है, मैंने एक इवेंट लॉन्च किया है समझा, इवेंट लॉन्च करा है रॉयल्टी इवेंट। ओ भाई इवेंट है भाई, पार्टी शार्टी होगी वहाँ पे। ओए पार्टी शार्टी सुन ले, ऐसी पार्टी होगी तू बचेगा भी नहीं यहाँ पे समझा। मतलब अरे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइफ स्टील की हो रही है समझा। इस इवेंट में लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा हार्ट्स होंगे वही इस ऐसे मतलब इवेंट का विनर होगा। और तो भाई लाइफ स्टील का, मतलब ये लाइफ स्टील का हो गया अब सर्वर। हाँ और क्या, ओ भाई साहब तू ही कहता रहता था बोरिंग बोरिंग, तो मैंने सोचा थोड़ा फनी हो जाए ना। अच्छा वो फिर तो तू मर जाएगी आराम से, मैगी मर जाएगी कुछ भी। अच्छा ज्यादा मत बोल, ठीक है मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तू नहीं करेगा, तुझे तब भी कराएंगे हम। और सुन सुन सुन, टर्म्स और कंडीशंस भी है यहाँ पे। हाँ बताओ क्या टर्म्स और कंडीशन है। तेरे को सिर्फ 5 हार्ट्स रखने हैं यहाँ पे। अच्छा 5 हार्ट्स कहाँ पे? व्हाट 5 हार्ट्स क्यों रखूं मैं? अरे भाई सबको रखने हैं, ये कंडीशन है बताया ना, इतना नहीं पता तेको। 5 हार्ट ठीक है, रॉयल्टी तू भी रखेगा ना? अरे सब रखेंगे, लेकिन बट पहले तू रख। हाँ ठीक है, विड्रॉ कर रहा। रुक मैंने निकाला भाई, दर्द हुआ भाई, ऐसा लग रहा है मेरी किडनी एक निकल चुकी है, फिर भी मैं रख रहा हूँ तेरे पास। ठीक है नाटक मत कर। अच्छा मारो मत यार, कितना ड्रामे खो रहा है, डालना इसके अंदर। हाँ रख रहा हूँ मैं तुम्हें अभी भी पेल सकता हूँ, मेरे पास इतनी ज्यादा जान है, पूछो मत यार। हाँ ठीक है, भाई ओके। अच्छा ठीक है, इवेंट में सबसे ज्यादा हार्ट्स कलेक्ट करने है ना। हाँ ठीक है, तो वो मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो लेट्स गो, इवेंट स्टार्ट हो चुका है गाइस, भागो। ठीक है हम भी जा रहे हैं। वेल गाइस जैसे कि तुमने देखा कि यहाँ पे इवेंट स्टार्ट होने वाला है, और मैं इतने समय बाद आया हूँ, मुझे नहीं पता इस माइनक्राफ्ट एसएमपी में क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ चलाकी करना चाहिए या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना चाहिए, बट यार मुझे ये भी नहीं पता यार इस माइनक्राफ्ट एसएमपी में कोई बिजनेस भी खड़ा हो रखा है। ओके तो अभी ऐसा करते हैं, हम इस गांव की थोड़ी सैर करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट हो चुका है क्या, देखते हैं जल्दी फटाक से भाई। भाई मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है भाई इस माइनक्राफ्ट के एसएमपी में, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ घूमते घूमते, तो मुझे दिखाई देता है फैन पिन का घर। ओके सो वेल गाइस यहाँ पे गाँव तो बहुत ज्यादा घूम लिया, बट यार मुझे ये वाली हवेली परफेक्ट लग रही है, यानी कि अपने रहने के लिए। यार मुझे तो पता नहीं यार मेरा घर कहाँ पे होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने कोई घर बनाया नहीं है, तो कोई नहीं एसएमपी का हर घर मेरा ही है, यही मानो। और कोई कुत्ते क्या ले लेते हो, टेम करता हूँ। ओके लेट्स गो, टेम हो चुका है भाई, इतना ज्यादा ऑसम लग रहा है, इतना कितना क्यूट है, इसका नेम टैग रखूंगा। चलो गाइस ओके, तो यहाँ पे मैंने पहली बार अपना एक पैड बना लिया है बहुत समय बाद। ओके तो अभी मैं घुसता हूँ इस घर में। ओके तो ये मेरा घर है, ठीक है। ये कौन, ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये क्या 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 मतलब भाई, मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ, यह मेरा घर है, यहाँ पर तुम आ नहीं सकते, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अभी ही मेरा है, अब से मैंने बोला है ना। ओ भाई हेलो, अरे अरे रुक जा ए रुक जा। अरे क्या क्या क्या, तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ, नहीं तो तेरा हार्ट ले लूंगा सारे। क्यों यहाँ पे मैं क्यों नहीं रह सकता भाई, एक साथ नहीं रह सकता ब्रो, ये नहीं 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 ये नहीं होगा। क्यों तुम चलो निकल यहाँ से, निकल क्यों निकलो,
अरे निकल जा भाई, निकल। अबे अच्छा ठीक है जी, मेरे हार्ट के फायदे उठा रहे तुम्हारे बंदे। भाई भाई मेरा यहाँ पर पूरा खजाना है भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है चल बाय बाय। और मैं यही करता हूँ, इसके घर में चुपचाप जाता हूँ और यहाँ पे जाके चोरी करता हूँ, और जो भी मुझे डायमंड वायमंड इतने सारे आइटम मिलते हैं उसको मैं बेच देता हूँ रॉयल्टी के पास जाके, और रॉयल्टी से सामान ले लेता हूँ। इसके बदले ना मैं यहाँ पे रहूंगा तेरे घर में। क्या क्या? इसके बदले मैं तेरे घर में रहूंगा। क्यों क्यों? अरे क्योंकि मेरा मन कर रहा है यार, समझ। कुत्ते देख रहा है मेरे? अरे नहीं नहीं, अरे मेरे कुत्ते को मत मार। ओए रुक जा, मेरे कुत्ता रुक जा, मारी मत। ओए मारी मत, रुक जा। अबे रुक जा, मेरे कुत्ता क्यों मार दिया भाई? डील ऊपर से करता है। ओ शिट, इसके अबे तेरे कुत्ते भी चपट गए यार मेरे। मैं तेरे कुत्तों को मार दूंगा। व्हाट, मेरे कुत्ते मार दिए भाई? रॉयल्टी तूने सही नहीं कराया रॉयल्टी। मुझे बुलाई मत बिल्कुल भी, ठीक है? क्यों क्यों? क्योंकि तू एक नंबर का पागल है। चल क्या बोला? बाय बाय बाय, मैं तो निकला भाई। आ तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा। आ देखा, आ जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ क्या हुए? ओके अब तो मैं जा चुका तेरे से दूर, अब मैं तो जा रहा, ठीक है? ढूंढ लूंगा बाद में, देख लियो। हाँ ठीक है चल। ओके सो वेल गाइस, जैसे कि तुमने देखा मैंने यहाँ से हार्ट्स ले लिए, बट यार मेरे पास इतने इनफ नहीं है कि मैं मस्ती कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 हार्ट्स आ चुके हैं, तो इसको मुझे डबल करने पड़ेंगे। एक का डबल कहाँ होगा आखिर? ये तो सिर्फ और सिर्फ जुए में होता है, और वो जुआ कौन देगा भाई मुझे, अब देखना पड़ेगा। तो चलो अब आगे देखते हैं कि अब मुझे जुआ कौन देता है भाई, समझ नहीं आ रहा। इस माइनक्राफ्ट कैसे में कोई जुए वाली दुकान तो खोली होगी यार किसी ना किसी बंदे ने। हेलो, ये किसकी दुकान है? एक सेकंड, मैं नीचे जाऊँ। एक सेकंड, तू इधर क्या कर रहा है? तू इधर क्या क्या कर रहा है भाई? ये एरिया तुझे पता है ना, मार मत, ठीक है ना? कस्टमर हूँ भाई, इज्जत से बोल। इज्जत पहली बात समझे क्या? सुन बच्चे समझे क्या? इज्जत से बात कर। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरा अब तक अभी मैंने दुकान खोला है तो मैं कस्टमर को मारता नहीं हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, वो नहीं पता का सीन है, मुझे पता है सारी चीजें यार, ठीक है? हाँ देख मार रहा है यार। हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है तेरे को? अभी तेरे पास टोटम है? हाँ यार मेरे पास तो सेल कर रहा है इसको, बेच रहा है। बेच रहा हूँ यार, बिल्कुल बेच रहा हूँ। अभी हमारे शॉप में क्या लेगा मुझे बता, क्या लेगा इसके बदले? बस दो हार्ट रुका और दो टोटम, क्योंकि ऑफर चल रहे ना। अबे यार तेरे दो हार्ट, तेरे दो टोटम, दिमाग खराब। सुन मैं एक हार्ट दूंगा तुझे, दो टोटम दे दूंगी। अच्छा सुन यार, मेरे पास इतने हार्ट नहीं है, समझा यार। चल ठीक है, मुझे एक टोटम दे पहले, ठीक है? ले पकड़। कितने हार्ट दिए तूने? एक तो एक टोटम दे। एक टोटम दे ना। ए भाई दो टोटम, दो हार्ट के एक टोटम आता है, अभी ऑफर चल रहा है इसलिए दो दे रहा हूँ, ठीक है ना? अबे यार समझा कर यार प्लीज भाई, अभी देख थोड़ा बजट नहीं है, समझ थोड़ा प्लीज, ठीक है? क्या बजट नहीं है अभी तेरे को भाई, मेरे को घर पे हार्ट दिए तेरे को। हाँ ठीक है ले पकड़, अब दे। नहीं, तू जाना है। अरे यार तू यार करता यार, मुझे एक का डबल करना है, यहाँ पे तूने मुझे माइनस कर दिया, दो हार्ट लेकर, ठीक है यार। तो उसके बाद मैं हार्ट ले लेता हूँ, बट फिर रॉयल्टी मुझे बताता है कि वो एक पार्टिसिपेट के लिए गेम रखा है जिसमें तुम्हें हार्ट डबल मिलेंगे अगर तुम शूट करोगे। तो मैं जीत रहा होता हूँ तो रॉयल्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मेरे पास पाँचों हार्ट वापस आ जाते हैं। तो इसी चक्कर में उसने एक प्लान बनाया होता है, वो लीवर फ्लिक करता है तो वैसे ही मैं हवा में उड़ जाता हूँ। और ऐसे बीच हमारे बीच में लड़ाई हो रही होती है, तभी हमारे प्रेसिडेंट हमें बुलाते हैं मीटिंग के लिए। और अब तुम आगे देखो। लेकिन गाइस उससे पहले मैं तुम्हें एक बेहतरीन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसपे आप गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हैं, यानी कि पीसी गेम्स। दुनिया का सबसे बड़ा फेमस गेमिंग प्लेटफॉर्म है, एंड इवन इंडिया इज मोस्ट ट्रस्टेड सेफ स्पेस फॉर प्ले गेम्स एंड अर्निंग डिफरेंट प्राइजेस। इसमें काफी सारे मजेदार गेम्स खेल सकते हैं। अगर तुम मेरी मानो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे खेलने के लिए, कॉइन फ्लिप, क्लासिक डाइस, माइंड एक्सेट्रा। यहाँ पे आप बहुत सारे गेम्स खेल के पैसा कमा सकते हो आसानी से, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो, साथ ही साथ पैसा कमा सकते हो। गेम की बात किया जाए तो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट गेम है इसमें कॉइन फ्लिप गेम। जैसे कि तुम देख सकते हो ये कॉइन फ्लिप गेम, अगर इसमें सही प्रेडिक्ट करता हूं तो मैं इसमें जीत जाऊंगा। यहां पे मुझे सिर्फ हेड और टेल को डिसाइड करना है, अगर मैं गलत सिलेक्ट करता हूं तो मैं इसमें हार भी सकता हूं। तो चलो मैं तुम्हें खेल के दिखाता हूं। यहां पे मैंने हेड सिलेक्ट करा, अगर मेरा प्रेडिक्ट सही होता तो मैं जीत जाऊंगा, वरना फिर मैं हार सकता हूं। ओके ऑलराइट, मैं जीत चुका हूं। जैसे कि तुम देख सकते हो यहां पे मेरा हेड आ चुका है। आप जीते हुए अमाउंट को बहुत ही आसानी से अपने Paytm वॉलेट या बैंक अकाउंट में विथड्रॉ भी करा सकते हो विद इन 24 आवर्स। आप भी मेरी तरह प्रेडिक्ट करके जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस और रिवॉर्ड। मेरे प्रोमो कोड DRKBC यूज करो और बहुत सारे रिवॉर्ड जीतो। ओके सो अभी हम आ चुके हैं फैनपिन भाई, अब बट हुआ क्या, इवेंट खत्म हो गया क्या? हाँ। और ये बता तूने हम सबके आर्मर क्यों उतराया भाई? देख यार नंगा पुंगा कर दिया। अरे यार ये नया रूल है।
नया रूल क्या है, मतलब प्रेसिडेंट पहनेगा सिर्फ? हाँ भाई यार रॉयल्टी देख रहा है, किस नाम का फिर भाई यार रॉयल्टी देख रहा है। और बट अब क्या करना है? अरे सुनो इवेंट खत्म हो चुका है, अब अपने रिजल्ट बताओ मेरे को। रिजल्ट के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम हार। हाँ तो हम मैं चुपचाप ना यहाँ पे चेस्ट में रख ले, सब अपने अपने पहले एक एक बारी करके रख दो। चल भाई चुप बैठ, ठीक है ना? और ऐसे भी यहाँ गेम में चीटिंग जायज है, तूने स्किल मना नहीं करा था ना? हाँ यार चीटिंग की तो मना नहीं की थी मैंने। और ये और तुझे ये पता है कि इसने ना अपनी ये जो कह रहे हैं ना, ये अपना दुकान चला रहा था धोखे वाली, जिसने बंदों को मार रहा था। अभी तू रुक जा मेरा हार्ट कम है, पहले बता रहा हूँ। पीछे हो जा, बैठ जा चुपचाप से। हाँ लेट्स गो फैन पिन भाई, अब आप भी जाओ। अभी देखो इसके पास सामान है, सामान है भाई, सामान है। चल रख क्या, चेस्ट में रख क्या उस वाली में। झूठ मत बोल मेरे पास। मैंने देखा ट्राइडेंट देखा, शॉट देखी। चल जल्दी जा, जल्दी जल्दी देखा स्किन बोल इससे। अरे यार रख देना इसके अंदर, मैं तो अच्छा बच्चा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो तो कौन जीता फिर? डीआर के जीता क्या? हाँ ले मैंने यहाँ पे हार्ट सक दे भाई, और क्या चाहिए तुझे, ले पकड़। और फैन भाई तुम भी, तुम्हारे पास कितने हैं? पर डीआर के कैसे जीत सकता है, चीटिंग करिए। सबसे ज्यादा हार्ट किसके पास है? मेरे पास 5 है। अच्छा, मेरा घर से डायमंड चोरी हुआ, किसने किया? अरे वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मेरा डायमंड भाई लगा, क्या तुम्हें लग रहा है कि डायमंड चोरी कर रहे हो भाई? तुम इतने बिलियनर हो फिर चले लोगे, हमारा क्या है? चले अब कुछ नहीं मुझे इनाम दे दो, जल्दी इनाम दे जल्दी। अरे क्या इनाम, आजा इनाम क्या है? यहाँ पे आके स्पीच दे। स्पीच मतलब यहाँ पे आके मुझे स्पीच नहीं। और ये टोटम क्या है? एक सेकंड टोटम लू, टोटम ले, टोटम। हाँ तेरा ये ले। वर्ड राइट, टोटम मिल चुका भाई साहब। इधर पीछे ऐसा पीछे खड़ा होना है। ओके हाँ, तो गाइस स्पीच दीजिए। तो गाइस बताओ मूवमेंट में, बस मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी है, बट मैं जीत चुका हूँ। यस, और इस वाली मूवमेंट में व्हाट ये क्या है? इस वाले मोमेंट में आप क्या बोलना चाहते हैं? डीआर के यार वो कहाँ चले गए भाई, मुझे दिख भी नहीं रही, पता नहीं। अरे रुक जा, आ रही हो तुझे क्या लगा अकेला छोड़ देंगे तेरे को? व्हाट स्टील तू? डीआरके कैसा लग रहा है तेरे को? अबे वेट ये क्या बना रखा है भाई तुम सब ने, मुझे कहाँ पे ट्रैप कर दिया भाई? तुम सबकी साजिश थी? अपने ऊपर देख, तेरे को कोई टारगेट दिख रहा है? नो वे, मुझे तो तू ही दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि तू मुझे टारगेट करके मुझे नीचे गिरना चाहती है भाई, मतलब क्या बोलना चाहती है? यहाँ पे तू मुझे यहाँ पे शूट करेगी यहाँ पे, और मैं नीचे गिर जाऊंगा। और क्या आया ना मजा? नहीं अभी थोड़ी देर में आएगा भाई। यार ये तो बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे यार, प्लीज यार मुझे मत मार यार प्लीज। अरे यार ऐसे मत कर तू, अब तो और मजा आएगा तुझे मारने में। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं निकलू यार कैसे यहाँ से, अगर मैं जंप मार तो मैं नीचे गिर जाऊंगा यार। देख तू निकल तो सकता नहीं है यहाँ से। अरे यार एक मिनट, स्नोबॉल मारू नहीं। अरे चल तू, इतने सोच ले कि तेरे साथ हुआ क्या है, इतने मैं अभी ऊपर से होके आती हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट मुझे कुछ याद आ रहा है। एक मिनट, मैं नीचे आई थी, तेरे पास एक ब्लॉक था। ब्लॉक कौन सा? मैंने देख लिया था, ठीक है ना, ब्लॉक ले मिला तेरे को जब तू नीचे गिरा है ऊपर से। नहीं दे रहा, क्या खैर उसे नहीं फेंकेगा? ठीक है फेंक दिया देख तेरे साथ। मतलब बिना डांट के ना समझ नहीं आती तेरे को, है ना? अच्छा ठीक है चल, तू इतने सोच, तेरे साथ हुआ क्या है, मैं अभी ऊपर इतने हिसाब करके आती हूं। ठीक है यार क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके सो गाइस, जैसे कि तुम देख सकते हो यार ये पता नहीं क्या है, ठीका चली गई। व्हाट यार के तुझे क्या लगा तेरे लिए कुछ भी, मतलब कोई भी साधन छोड़ूंगी तो तू आ जाएगा भाई? मतलब तूने सारी ब्लॉक्स गायब कहाँ से कर दी, कहाँ से होगी गायब? अभी रुक जा, ऐसी कर देते हम, ठीक है ना? मतलब जो मैं जिस पर खड़ा हूँ ये तो गायब नहीं होगा ना ट्रैप डोर? अब इसका पता नहीं है, हो भी सकता है जब मैं नहीं जाऊंगी तब। अभी भाई यार सो इस वाली मूवमेंट में मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद कैसे तैसे करके मैं इस ट्रेडर की हेल्प से ट्रेड करता हूँ। मेरे पास इत्तेफाक तो तुम ये देखो एमरल्ड्स होते हैं। ट्रेड करने के बाद फिर मैं जल्दी से उन एमरल्ड्स की हेल्प से थोड़ी सी ओक प्लैंक ले लेता हूँ, और ऊपर मुझे डर्ट दिखते हैं उसको माइन करने के बाद मैं एक पेड़ उगाने के लिए रख देता हूँ, ताकि पेड़ उग जाए, क्योंकि मेरे पास इतनी ब्लॉक नहीं होती कि मैं वहाँ पर जंप मार सकूँ। फिर उसके बाद जैसे ही पेड़ उग जाता है मैं उसकी बोर्ड से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, तो तभी स्टील को पता चल जाता है कि मैंने वहाँ पर चीटिंग करी है। तो वो जैसे ही भाग के आ रही होती है तो मैं बोर्ड की हेल्प से वहाँ से भाग के चले जाता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि अब तो मुझे भाई बदला लेना है भाई, कैसे ना कैसे करके। मैं जाता हूँ फैनपिन भाई के घर में, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया था, तो उनके घर में मैंने एक ट्रैप बिछा रखा होता है जिसकी हेल्प से मैं फैनपिन भाई को मार देता हूँ। फिर उसके बाद मैं स्टील को बुरा ही रहा होता हूँ कि भाई स्टील आधा चल तुझे भी सबक सिखाता हूँ, तो मुझे एक झटका मिलता है, और वो क्या आप तुम आगे दो क्या देख कहाँ चला गया यार तू? हाँ मैं कह रहा जल्दी से मेरे पास आ भाई, मुझे इम्पोर्टेंट बात बतानी तुझे। यार तेरी वजह से ना सर्वर क्लोज हो चुका है। मतलब क्या, मतलब क्या बोलना कि व्हाट, मतलब सर्वर बंद हो चुका है? हाँ वो भी तेरी वजह से। मतलब मैंने पूरे सर्वर को ही तोड़ दिया यार, तूने तबाही मचा दी। हाँ बिल्कुल, तूने तो सब कुछ ब्रोक कर दिया।
अरे भाई साहब, मतलब मैंने पूरी माइंड को क्या एसएमपी को रोक कर दिया भाई, मुझे तेरे से बदला लेना था। देख लूंगा तेरे बाद।